हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक गति के समीकरण। गति के समीकरण आपके सिर्फ गति के अंदर ही नहीं, गति विज्ञान के अंदर ही नहीं, बाकी और भी विज्ञान के बहुत सारे भागों में ये काम में लिए जाते हैं। तो इनको हम तीनों समीकरणों एक एक करके क्रमवाइज पढ़ेंगे, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई वो पढ़ेंगे, काम में लेना हम अगले वीडियो में सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले इनको बनाया कैसे गया उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर गति के समीकरण के अंदर जो चीजें हम काम में लेने वाले हैं वो आएगा सबसे पहले तो विस्थापन, जिसको हम विस्थापन को दिखाएंगे हम एस से, विस्थापन जिसको हम इस यहाँ पर जो समीकरण है उसमें एस से दिखाने वाले हैं। उसके बाद में आएगा वेग। वेग दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग जिसको हम स्मॉल यू से दिखाएंगे, अंतिम वेग जिसे हम दिखाने वाले हैं वी से, समय को दिखाएंगे हम स्मॉल टी से, त्वरण, त्वरण को दिखाएंगे यहां पर हम एक्सेलरेशन मतलब ए से। ये सारी चीजें हमारे गति समीकरणों में काम में आने वाली हैं। तो यहां पर सबसे पहले गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण कहां से निकल के आता है? सबसे पहले त्वरण की परिभाषा पढ़ेंगे। त्वरण क्या परिभाषा होती है त्वरण की? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। ये इसकी परिभाषा होती है। इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर ये हमारा त्वरण हो गया, तो वेग में परिवर्तन क्या होगा? अंतिम वेग, अंतिम वेग क्या होता है यहां पर? एक मिनट, पहले मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं। त्वरण बराबर होगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, बटे समय। तो त्वरण को तो हम ए से दिखाने वाले हैं, अंतिम वेग को वी से दिखाने वाले हैं, माइनस प्रारंभिक वेग को यू से दिखाने वाले हैं, और समय को टी से दिखाने वाले हैं। अब यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? यहां ए और टी यहां पर गुणा हो जाएगा, तो ए टी बराबर हो जाएगा वी माइनस यू। यू इधर आकर जुड़ जाएगा इसमें, तो माइनस संख्या है ये, इधर आकर प्लस की हो जाएगी। तो हमारे पास में ये समीकरण होगा इस तरह से, यहां देखो वी बराबर यू प्लस 80। ये हमारा गति का पहला समीकरण हो गया। और अगर यहां से देखें हम, यहां से हम अगर समय निकालना चाहें तो t बराबर क्या होगा? v माइनस u बटे a। ये हमारा समय होगा, तो हमारे बाद में काम में आएगा, इसलिए मैंने इसको यहां पर पहले ही लिख लिया है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं गति के दूसरे समीकरण की ओर, गति का द्वितीय समीकरण, द्वितीय समीकरण। देखिए गति का दूसरा समीकरण कहां से निकल के आएगा? इसको हम निकालेंगे विस्थापन से, विस्थापन। विस्थापन बराबर क्या होगा? वेग, औसत वेग। वेग नहीं, औसत वेग लेंगे, क्योंकि कहीं पे भी तात्क्षणिक वेग तो कहीं पे काम आता ही नहीं है, हां? क्योंकि हम उसको तात्क्षणिक वेग निकाल तो सकते हैं लेकिन लगातार उसको बनाए नहीं रह सकते, तो हम क्या करेंगे? औसत वेग, औसत वेग इनटू समय। देखिए औसत वेग, औसत वेग क्या होगा हमारा? औसत v प्लस यू बटे दो, ये औसत वेग हो गया, हाँ, इनटू समय, समय क्या लेंगे हम? t। तो देखिए यहां पर t का फॉर्मूला हमारे पास में, हम एक ही तो ये रख सकते हैं या फिर हम v का मान हम जो अभी हमने ये निकाला है ये रख सकते हैं। तो हम ये रखते हैं v का मान इस समीकरण में, तो v का मान क्या रखेंगे? देखो विस्थापन को s दिखाते हैं, तो s ही रखते हैं यहां पर। v का मान मैं ये रख देता हूं, मैं ये रख रहा हूं u प्लस ए टी प्लस यू बटे दो, और t बाहर है, तो s बराबर
यू और यू जुड़कर कितने हो गए, दो यू हो गए प्लस ए टी पूरे के साथ में दो, और यहां पर टी बाहर है अभी, तो एस बराबर देखिए अब इनको अलग अलग कर लेंगे और टी से गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में दो यू बटे दो टी प्लस ए टी स्क्वायर बटे दो। अब देखो दो से दो बट जाएगा तो एस बराबर क्या होगा, यू बचेगा और टी बचेगा प्लस एक बटे दो ए टी स्क्वायर। ये हमारा गति का दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है। अब तीसरे समीकरण के लिए बोर्ड पर थोड़ी जगह कम बची है इसलिए मैं इसको मिटाकर इधर करूंगा, इसलिए आप इसको उतार ले। देखिए गति का तीसरा समीकरण, तो यहां पर मैं तृतीय कर देता हूं इसको, किस जगह में हो जाएगा गति का तृतीय समीकरण, ये भी उसी विस्थापन की परिभाषा से आएगा। विस्थापन बराबर होता है औसत वेग इनटू समय, और विस्थापन ऐसे दिखाएंगे औसत वेग को v प्लस यू बटे दो इंटू टी, तो इसको तो मैं ऐसे रख देता हूं v प्लस यू बटे दो, और यहां पर जो समय है ना, समय का मैं फॉर्मूला t बराबर v माइनस यू बटे ए जो मैंने पहले निकाला था उसी को मैं यहां पर रख देता हूं, तो मैं क्या रखूंगा यहां पर v माइनस यू बटे ए, ठीक है, त्वरण है और यहां पर s है, तो s बराबर देखो नीचे दो और a गुणा होकर दो ए हो जाएगा। यहां पर देखो एक बार ये चीज प्लस में है एक बार माइनस में है, जब दो संख्याएं मतलब दो वेरिएबल संख्याएं एक बार प्लस में होती है एक बार माइनस में होती है, तो उन्हें गुणा करने पर वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले के साथ में जाती हैं, तो यहां पर देखो बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर देखो दो ए को हम इधर ले जाकर गुणा कर देंगे तो दो ए एस हो जाएगा बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं इस यू स्क्वायर को इधर ले आऊंगा तो यू स्क्वायर प्लस टू ए एस बराबर बी स्क्वायर, अगर मैं इसको सही तरीके से जमाऊं तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये हमारा गति का तृतीय समीकरण हो गया। तो गति के तीनों समीकरण बहुत आसान होते हैं, ये हमें हर जगह पर काम में लेने के लिए जरूरत पड़ती है, खासकर भौतिक विज्ञान में। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए फिजिक्स में मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, धन्यवाद।